ऐसी चीज को भूलना आसान नहीं होता जिसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया हो, या जिसको देखकर सांस का सिलसिला बहाल रहता हो। कुछ भी आसान नहीं होता। कभी कभार तो यूं महसूस होता है कि जैसे इस रात के बाद दिन नहीं निकलेगा, इस तकलीफ के बाद खुशी कभी नहीं आएगी। ऐसा लगता है जैसे अब ये दिल मुस्करा नहीं पाएगा, और ऐसा तब लगता है जब तक हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अल्लाह की रजा से होता है और हमारी बेहतरी के लिए होता है। तो जो आ रहा है उसे आने दो, और जो जा रहा है उसे जाने दो। उन चीज़ों को अल्लाह से मांगो जिनसे तुम्हें मोहब्बत है, मगर फिर अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो। हर दर्द, हर तकलीफ, हर अज़ियत किसी न किसी वजह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है, और वो वजह ये है कि तब अल्लाह ने हमें अपने करीब लाना होता है। जब दुआएं कबूल होती नज़र ना आए तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे रابطہ रखना चाहता है। तो बस फिर उस पर भरोसा रखो और उसके कुल का इंतज़ार करो। ये दुख भी ख़त्म हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। खुश रहना सीखो और इर्द गिर्द रहने वालों को भी खुश रखना सीखो। जो खामोश है उसकी खामोशी सुनो, और जो कुछ कहना चाहता है उसकी बात सुनो। कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन नेक है और कौन गुनाहगार, इसका फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। हम सब इंसान हैं। अगर आप कोई गलती करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं उन गलतियों से पाक हूँ। मैं भी गलती करती हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। इस बात को तस्लीम करना सीखो कि हम सब गलतियों से सीखते हैं। गलती नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हारेंगे नहीं तो जीतना कैसे सीखेंगे? गिरेंगे नहीं तो उठना कैसे सीखेंगे? सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। मोहब्बत बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी, और ये अल्लाह का पसंदीदा अमल है। और याद रखो, इंसान से मोहब्बत वही करता है जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है, क्योंकि जब वो मेहरबान होता है तो तोहफे में मोहब्बत से नवाजता है।